तो यहाँ पे हो चुकी है बहुत भयंकर वाली बारिश और हम फंस गए दोनों के दोनों। तो फिलहाल यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, देखो कभी आपने कभी किसी की हेल्प करी है और हेल्प करने के चक्कर में तुमने उनका काम और बढ़ा दिया। Hey guys, good morning. और सुबह के हो रहे 9:30 और व्यू देखो, उल्टे करके दिखाती हूँ, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो अभी क्या है कि मैं तो नहा धो के रेडी हो गई और ये अभी नहाने जा रखे हैं, तो ठंडा लग रहा है यार। सुबह ये एसी का पानी टपक रहा था यहाँ पे, मुझे लगा बारिश आ रही, मैंने कहा भाई यार शिट बारिश आ रही, अब कहाँ जाएंगे। बाद में बाहर देखा तो बाहर मौसम साफ हो रखा था। तो व्यू दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से, है ना। ये है सुबह सुबह का व्यू, मतलब सुबह तो नहीं हुई, बहुत टाइम हो गया, हम उठे ही नहीं। अब 8:30 बजे तो उठे, मतलब 9:45 बजे उठे। तो अभी हो चुकी है 9:45 और हम चेकआउट कर रहे हैं। तो अभी हमने सारा सामान देख लिया, छोटा काम ही है। तो अभी हम चलते हैं फटाफट बाहर, चेकआउट करते हैं और निकलते हैं, टाइम हो रहा है। तो बस अभी हमारे आ चुके हैं सड़क पे आ चुके हैं हम। और अब सीधे मिलेंगे हम आपको मंदिर में। अभी यार मौसम ऐसा हो रखा है ना, पता नहीं शायद बारिश आ जाए कभी भी। चलो हम फटाफट निकलते हैं पहले। तो अभी हम जा रहे हैं पहले धनौल्टी, फिर उसके बाद आगे जाएंगे सुरकंडा देवी। फिर पहले धनौल्टी पड़ेगा, फिर पड़ेगा। अभी मौसम तो ऐसा, मैंने अभी तक वो पहन रखा था, मैंने स्वेटर डाल ली, ठंडा लग रहा क्योंकि। चलो भाई सफर का आनंद लेते हैं। यहाँ पे हो चुकी है बहुत भयंकर वाली बारिश और हम फंस गए दोनों के दोनों दोनों नहीं, क्योंकि इनके पास रेनकोट है और मेरे पास नहीं है। मैंने इन्हें बोला था लाने को, लेकिन वहाँ से लाई। तो अभी हम पी रहे चाय किसी से थोड़ा, क्योंकि ठंडे से ठंडा लग गया हमें, भीग गए ना। मुझे पता नहीं बरसात कब, बारिश कब रुकेगी। जाएंगे पता नहीं, हम आधे रास्ते पर आ गए, मतलब इधर से भी आधा हो गया, इधर से भी आधा हो गया, अब किधर जाए पता ही नहीं चला। अब वेट करते हैं बारिश का, नहीं तो हम सोच रहे हैं कि फिर नहीं तो मेरे को बस में ही जाना पड़ेगा अगर बस आई तो। तो ये पहन रहे पीछे रेनकोट, लेकिन मेरे पास है नहीं भाई। जब भी इधर कभी भी इधर आए, यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। और हम दोनों, मतलब हमें पता था कि सुबह बारिश वाला मौसम है, लेकिन फिर भी हमने मसूरी से रेनकोट नहीं लिया। बेवकूफ़ दोनों के दोनों बेवकूफ़, सीरियसली याद ही नहीं आया, बिल्कुल मतलब दिमाग से ही उतर गया वहाँ से। जबकि बोल भी रहे थे कि हम रेनकोट लेके जाएंगे, लेकिन बस जैसे ही निकले वहां से डायरेक्ट ही नीचे आ गए, ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। मेरे पास तो इन्होंने तो कर लिया, क्योंकि इनका ज्यादा वो है ना, क्योंकि इन्होंने गाड़ी चलानी है, मेरा तो क्या, मैं तो पीछे बैठना। तो वैसे अब थोड़ी सी हल्की तो हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो इससे पहले कि ज्यादा हो तो हम फटाफट निकल लेते हैं यहाँ से, है ना। फोन रख लो, मेरा फोन आगे मिल जाएगा, फोन रख लो, फोन मेरे। और आसमान की ऊंचाइयों पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कुछ नहीं दिख रहा आगे। आराम से धीरे धीरे चलाओ, ये देखना यमा जी, ध्यान से चलाना है। तो यहाँ तो मौसम की बैंड बजी पड़ी हुई है और सब यहाँ पे धीरे धीरे चला रहे गाड़ी। सच में कुछ भी नहीं दिख रहा भाई आगे, वीडियो में फिर भी दिख रहा है, पता है तुम्हें, वीडियो में थोड़ा बहुत फिर भी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हमें सितंबर में बिल्कुल दिसंबर जनवरी वाला फील आ रहा है, मस्त एकदम ठंडा ठंडा। और सच में बहुत दोनों बेवकूफ़ों ने वो नहीं लिया जैकेट लानी चाहिए, बैग में पड़ा था ना। वो तो इनके ये रहता है कि इनके स्टोर वाला बैग रहता है, तो इनके बैग में हमेशा रेनकोट रहता है, वरना हम दोनों इतने भुलक्कड़ हैं कि हम वो वाला रेनकोट भी भूल जाते हैं। धनौल्टी से आगे भी जाना है, सुरकुंडा देवी मंदिर से क्या आगे लाल टिप्पा है, चल लेंगे अगर मौसम सही रहा तो। अभी हम आगे रेनकोट लेने के लिए,
कितने का लिया वो वाला? $50. इससे कोई बढ़िया ढंग का नहीं है रेनकोट? इससे बढ़िया ये नहीं, मतलब हाँ मतलब जैसे ये है वैसे और कोई कलर में नहीं है। लड़कियों की अपनी दिक्कत है भैया, और कोई कलर में नहीं है। येलो ग्रीन है ये? हाँ ग्रीन दे दो। येलो कैसा ग्रीन, ग्रीन है? है ये दो कल, तीन कलर है, बताओ कौन से है? भाई मैं कैसे पीली पीली सी लग रही। 22 किलोमीटर है भी लगती। 100 किलोमीटर है यहाँ से देखो। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मार्केट में, और अब यहाँ से ऊपर है यहाँ से चढ़ाई, यहाँ से वो लेना पड़ेगा पूजा का सामान। तो अभी हमें जाना है ऊपर ढहिए में, हम जा रहे हैं ना, कोई और नहीं जा रहा। आज बारिश हो रही है ना एक, तो अभी हम यहाँ से रास्ता नापेंगे अपना दोनों के दोनों। तो अभी हो रही है 11:50 और हमने स्टार्ट कर दिया चढ़ाई। अब देखते हैं हम कितने टाइम में वहाँ पहुँच पाते हैं। मेरे को देखना, येल्लो येल्लो चौकर सी बन रही मैं। चलो फिर चलते हैं, क्योंकि मेरा बारिश आ रही है तो मेरा फ़ोन भीग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बनाती रहूँगी ज़्यादा। ठीक, तो ये हो चुकी है शुरुआत चढ़ाई की हमारी। वैसे पहाड़ी रास्ता, बाइक का सफ़र और मस्त गाने, इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना। हम पूरे रास्ते पर गाने सुनते सुनते आ रहे, मज़ा आ रहा था। चलो अब हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है और बारिश भी आ रही है, तो फ़ोन भीग रहा है इसलिए मैं वो नहीं कर सकती। चलो ऊपर से दिखाऊंगे आपको व्यू, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, मस्त है। तो यहाँ पे घोड़े वगैरह भी हैं, अगर मतलब कोई चढ़ नहीं पाता तो उनके लिए। ये कैसा हो रहा रास्ता, रास्ता देखो अभी कैसा हो रहा भयंकर। और अभी ऊपर जाना है हमें, तो अभी ये ट्रॉली लग बन रही है यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम कोई आएगा तो डायरेक्ट सीधे ट्रॉली से ही जा सकता है, मतलब जो चढ़ नहीं पाते, जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग हैं तो उनके लिए सही है। फिलहाल रास्ता तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे कंडाली भी है यहाँ पे। तो अभी 12:20 हो रही है, मतलब 12:10 हो रही है, तो अभी हम 20 मिनट में यहाँ आधे तक ही पहुँचे। अब यहाँ से उतना ही और है जितना हम अभी आए हैं, यहाँ तक तो हम आ गए। चलो थकान लग गई, कान भी ऐसे बंद हो जा रहे एक साइड, ये वाला कान तो बंद हो गया मेरा, लेफ्ट वाला। चलो अब चलते हैं फिर से, आधी चढ़ाई और चढ़ते हैं, है ना। और सांस फूल रही हमारी बहुत भयंकर वाली, क्योंकि इतना टाइम से आराम मिल जाता ना जब शरीर को, तो फिर थकान लगती है बाद में कहीं जाओ तो। 12:35 हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं मंदिर। 11:50 पे निकले थे हम, मतलब एक घंटा भी नहीं लगा, 45 मिनट। हाँ 45 मिनट के अप्रोक्सीमेट लगा हमें। तो हमने प्रसाद ले लिया और अब हम जा रहे हैं अंदर मंदिर में, और मस्त ढोल बज रहे हैं अभी तो। पानी नहीं आ रहा मेरे बैग में, हाथ धुलाओ, रुक जाओ। तो जब विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के जो शरीर था उनको 51 टुकड़ों में विभाजित किया था, तो जो उनका सिर था माता का वो यहाँ पे गिरा था, तो इस वजह से इस जगह का नाम सुरकंडा देवी पड़ा है। और यहाँ मतलब काली माता जी, काली माता होती है, उनकी प्रतिमा की पूजा होती है, मतलब 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। Thank you.
पूजा करके मस्त फिर बाकी फोटो खींच ली। और यहाँ दो चीज़ हुआ है, मतलब एक तो मेन मंदिर के अंदर फोटो नहीं खींचने देते, दूसरा अगर मतलब नारियल जो है अगर वो तुम छिलोगे तो ठीक, अगर कोई और छिलेगा तो 20 रुपये लेते हैं, पर तो नारियल छिलने के भी यहाँ पैसे देने पड़ते हैं, तो इसलिए बाकी अपने आप डिसाइड कर लेना क्या करना है। ये देखो यहाँ फोटो सेशन चल रहा है अभी, तो बाकी मस्त इंजॉय हो गया हमारा, मतलब अच्छा हो गया घूमना फिरना। और अब धूप भी लग गई, देखो जरा मस्त धूप लग गया। तो मसूरी से धनौल्टी, मतलब यहाँ के लिए पहले तुम्हें धनौल्टी आना पड़ेगा, तो धनौल्टी मसूरी से धनौल्टी है 42 किलोमीटर, यानी एक लगभग एक घंटे से ऊपर है थोड़ा सा। धनौल्टी से जो सुरकंडा देवी जो मार्केट है मतलब नीचे ना मेन, तो वहाँ 7 किलोमीटर है, फिर वहाँ से ऊपर थोड़ा है एक घंटा, मतलब 1.25 घंटे का रास्ता। बाकी अभी धूप भी थी तगड़ी लग रही है, अभी तक तो बारिश हो रही थी, वो तो शुक्र मना रेनकोट ले लिया वरना बैंड ही बज जाती है हमारी तो। और अब ऐस रेनकोट ले लिया, अब बारिश मस्त हो रही, मतलब अब धूप लग गई। हो गया तुम्हारा फोटो सेशन? और हम तो बिना खाए पिए आए थे सुबह से, क्योंकि हमने कहा मंदिर जाना है तो फिर खा पी के अच्छा नहीं लगता, तो अभी हम भूख लग रही है बहुत तेज वाली, प्रसाद वगैरह तो हमने खा लिया, बाकी बहुत तेज भूख लग रखी है। अभी चलते हैं फटाफट नीचे चलते हैं और खाते पेट पूजा करते। तो यहाँ पे ये इतिहास है सुरकंडा देवी जी का, तो आप पढ़ लेना आराम से। ओह 1:30 बज चुकी है हमें, और अब हम जा रहे नीचे फटाफट कहीं खाएंगे। जितने पैसे लाए थे वो तो ख़त्म हो गए, अभी हमें वो वाली दुकान ढूंढनी पड़ेगी जहाँ ऑनलाइन पेमेंट होती हो, वहीं खाना पड़ेगा क्योंकि कैश तो बचा ही नहीं हमारे पास, और या तो एटीएम होगा, एटीएम तो मुश्किल ही होगा इधर कहीं है ना, क्या यूपीआई देख लें यहाँ पे। हाँ कैश मैंने कमी निकाला ना क्या, हम लिमिट, हम दोनों की बहुत वैसी आदत है कि हम ना कैश बहुत लिमिटेड निकालते हैं, और जहाँ पॉसिबल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, तो इस वजह से कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है हमें। अगर हमें थोड़ा हम बारिश की वजह से हमें थोड़ा आधा घंटा तो लेट हो गया, हाँ आधा 1.25 घंटा, क्योंकि हम रुक गए थे फिर उसमें चाय चुई पीने के लिए वहीं पे, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज, वरना हमने पहुँच जाना था। अभी हम थोड़ा टिहरी डैम भी घूम के आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ही, थोड़ा सा तो नहीं बट मतलब ठीक है, बस जा तो सकते ही है, लेकिन जा सकते हैं। फिर हम रात को 8-9 बजे तक घर पहुँचेंगे अगर हम वहाँ चले, कितने 8-9-5 बजे तो डैम बंद हो जाता है। हाँ अरे घर कितना बज रहा है अभी? तो 1:30 बज रही। हाँ तो 2-3 बजे तक हम डैम पहुँच जाएंगे, टिहरी पहुँच जाएंगे 3 बजे तक। हाँ चलना है, क्या करना, चलना है कि नहीं चलना, चल लेंगे। देखो कभी आपने कभी किसी की हेल्प करी है और हेल्प करने के चक्कर में तुमने उनका काम और बढ़ा दिया? ये यहाँ पे जो वो है ना, तो यहाँ पे भैया लोग काम कर रहे थे और उनके ना मतलब क्या था नट, हाँ नट नीचे गिरा था यहाँ पे सड़क पे, इन वहां से इन्होंने समझा पूरा वो बीच में गैप है, गड्ढा है वहां पे जहाँ पे वो है ना, जहाँ पे वो चढ़े थे, इनको लगा वो पूरा है, वहां पे बीच में गड्ढा था, इन्होंने यूं फेंका तो वो नीचे चला गया, मतलब उनका काम और बढ़ा दिया। पहले तो वो सड़क पे था, उन्होंने गड्ढे में ही फेंक दिया महासन। ऐसा ऐसा हो जाता है कभी कभी, अच्छा करने चाहो लेकिन बुरा हो जाता है। तो हम दोनों को बहुत भूख लग गई, मेरे को तो ज्यादा ही लग गई है अभी हम तो अभी नीचे जाते हैं फिलहाल, तब डिसाइड करेंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या मतलब जाएंगे कि क्या करेंगे, है ना। इतनी दूर आए तो चले ही जाते हैं, वापस पता नहीं कब आना हो इधर, पता नहीं कब आएंगे, फिर इधर नहीं आएंगे ना, अब इधर का सारा हो गया हमने घूम लिया, तो फिर अब हम कहीं और जगह जाएंगे मतलब घूमने के। अब हमारा प्लान है अभी तो नहीं, पर अक्टूबर में हम देखेंगे एनिवर्सरी के टाइम पे कहाँ जाते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे भी मजे ले सकते हैं डीजे लगा के। नाच रहे क्या, नाच रहे तुम तो घर पे नहीं नाचते। अभी यहाँ पे 5-6 घोड़े थे और अब एक बच्चा है, बस अकेला बच्चा है बेचारा, बाकी इसके साथ ही ऊपर चले गए।
बस अब हम पहुंच गए नीचे आधे घंटे में लगभग, क्योंकि नीचे तो इंसान जल्दी उतर जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ते ना पता क्या होता है, थकान लगती है, और नीचे उतरते हुए पाँव ऐसे ऐसे होते, तो अभी पाँव ऐसे ऐसे उड़ते बट अभी हम पहुंच चुके हैं, और ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और ठीक है, और बाकी का ब्लॉग देखते हैं, अगर हम उधर जाएंगे तो फिर बाकी का ब्लॉग वहीं से स्टार्ट करूँगी। तो फिलहाल आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।